हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रजनी होम मेकर चैनल में। आज हम बना रहे हैं मिलोना रोटी। हम लोग सभी के घरों में जब घी बनता है तो उसका जो एक्सेस पार्ट होता है उसे बिहार में जराठी हम लोग कहते हैं। तो जराठी का यूज करके आज मिलोना का रोटी बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर लिए हैं 2 कटोरी गेहूँ का आटा, 2 कटोरी बाजरे का आटा और 1 कटोरी बेसन। अब इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, अजवाइन, गोलकी पाउडर, हींग और कसूरी मेथी डालकर सबको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। बिना पानी डाले हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखिए किस तरह से ये बिना मोयन डाले इसमें बहुत सारा घी रह जाता है। अब इसे धीरे धीरे पानी डालकर इसका आटा तैयार करेंगे। पानी आराम आराम से डालें ताकि ज़्यादा ना हो जाए। अब आटा लग चुका है, इसे 10 से 20 मिनट के लिए आप रेस्ट पे छोड़ दें। अब 20 मिनट बाद देखिए हमारा आटा तैयार हो चुका है। इसे वापस थोड़ा सा मिला लें और उसकी लोई तोड़ लें। अब 1 लोई को लेंगे और इसे हाथों से अच्छे से चिकना करके और बिना कोई बर्तन के इसे आराम से ऐसे ही बेलेंगे। ये बहुत ही आसानी से बेल जाएगा, ना फटेगा और ना चिपकेगा। देखिए ये कितनी आसानी से बेल रहा है। इस रोटी को आप जितना मोटा बनाना चाहें बनाएं। हम यहाँ पे रोटी से थोड़ा ही मोटा बना रहे हैं। मेरी दादी माँ लोग जब बनाती थी तो 3-4 रोटी का 3-4 लोई के बराबर 1 लोई रखती थी और उसका रोटी बनाती थी। तो देखिए इस प्रकार से बेल करके गर्म तवे पर डालेंगे। अभी इसमें हल्का हल्का कट लगा देंगे ताकि ये फूले ना, और इसे अच्छे से कलछी से दबाते हुए सेकना है ताकि चारों ओर अच्छे से लाल हो जाए। और इसके बीच आप यहाँ पे घी देना चाहें, डालना चाहें, घी डालकर भी सेक सकते हैं और या फिर ऐसे भी सेक सकते हैं। अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं तो हम इसमें प्याज नहीं ऐड किए हैं, नहीं तो आटा गूंथते टाइम आप प्याज भी ऐड करें बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से देखिए सेक लेंगे सब रोटी को और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। आप यकीन मानिए आप इवनिंग स्नैक्स में इसे ऐसे ही बिना कोई सब्जी चटनी रायता के आप ऐसे ही खा सकते हैं। तो दोस्तों जराठी से हम मिलोना रोटी बनाए हैं। आपको कैसी लगी ये रेसिपी आप हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इसे ट्राई करना ना भूलें, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।